आप लोगों को जैसा पता होगा, 4 तारीख से लगातार RRB पटना महेंद्रू घाट में LP टेक्नीशियन एवं JEE के सारे मेडिकल फिट कैंडिडेट लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी बातों को सुनने के लिए नहीं आए। क्या मांग है, क्या डिमांड है, अपनी बातों को रखिए। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, जबकि रेलवे में इतनी सारी पद खाली रहते हुए भी। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इन कुछ बच्चों से ही जाने इनका क्या दुख दर्द है। देखिए, हम लोगों को 2019 में मेडिकल कराया और मेडिकल करा करके हम लोगों को कोई नोटिस भी नहीं जारी किया गया। हम लोग 4 तारीख से फिलहाल अभी पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं, रेल मंत्री जी से कहना चाहते हैं, साथ में हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी से कहना चाहते हैं, कि हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि कोरोना काल से हम लोग किसी तरह से ग्रसित है। इस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलवाया गया हो, हम लोग का घर का अर्थव्यवस्था बहुत ही गिर चुका है। हम लोग को घर में रुपया पैसा भी गार्जियन नहीं देते हैं, जो यानी अब पढ़ने के लिए लाले समझ होने की एज भी एक्सपायर कर चुका है। इसलिए हम चाहेंगे जल्द से जल्द हम लोग को रेलवे रेलवे सेवा करने का मौका दे। और भी कुछ दूसरे छात्रों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्यों ये लोग लगातार 4 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इसमें बहुत सारे छात्र अदर स्टेट से भी आए हैं, जैसे कि यूपी से आए हुए हैं, फिर कलकत्ता से आए हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है यहाँ पे, तो रेलवे क्या उनकी लाइफ की कोई गारंटी लेती है? इनके कैंपस में हो रहा है, एक बार पूछने तक के लिए नहीं आ रहे हैं वो लोग। क्यों आप लोग ऐसे बात मांगों को रख रहे हैं? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। आखिर चाहती क्या है रेलवे? मैं शैलेंद्र कुमार तिवारी, LP टेक्नीशियन एंड JEE कैंडिडेट वाले, जिसमें भी हम लोग 4 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं कि CBT 1, CBT 2 और मेडिकल, साथ ही साथ में ALP वाले जो होते हैं, उनकी एक परीक्षा होती है, वो भी वो पास कर चुके हैं। फिर भी हम लोग की आज तक ज्वाइनिंग नहीं किया गया रेलवे, इसलिए हम लोग 4 तारीख से आमरण अनशन पर हैं और आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से कि कम से कम हम लोग बात को सुने और ध्यान दें। हम लोग भी उनके चयन किए गए कर्मचारी ही हैं, तो सर तक सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं मिला, इस पर जरूर वो ध्यान दें। क्या ऐसा नहीं लगता आप लोग शांतिपूर्ण तरीका से बात रख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। सरकार उसी की सुनती है जो गलत तरीके का काम करते हैं, यानी संपत्ति को नुकसान पहुँचा। लेकिन हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं उसको हम गलत नहीं करेंगे ना, उसमें हम लोग तोड़फोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संपत्ति है जिसमें हम काम करने जा रहे हैं। हम उसके कर्मचारी हैं, सिर्फ चयनित हैं और सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। बस मैं यही खास लगाए बैठा हूँ कि आज ना तो कल हमको रेलवे से ज्वाइनिंग मिलेगी। रेलवे टेक्नीशियन के छात्र हैं, सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि बहुत हालत ख़राब सुना जाए, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, कैसे जीते हैं वो सभी जानते हैं। इसलिए सरकार से नाम निवेदन है कि उनको ज्वाइन करा दें और बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे सरकार को। बहुत अंदर से दिक्कत में है, हम बेहतर बताएँ तो सबसे बच्चे कि हो जाएगा, क्योंकि अपने आस पास जो करना रखते हैं, मैं राहुल, JEE जूनियर इंजीनियर कैंडिडेट मेडिकल फिट। कहाँ से आए हैं आप? मैं बलिया जिला से आया हूँ और मैं अपनी ज्वाइनिंग
लेकर बहुत चिंतित हूँ, और मैं यही कहूँगा सरकार से कि सरकार हम लोगों की सुने और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे। हो गया ना। और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आरआरबी पटना के धीरे धीरे ऑफिसर लोग भी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ये बात सुनने के लिए तक नहीं तैयार नहीं है, एक बार आने के लिए नहीं तैयार है कि क्या होगा, नहीं क्या मांग है। अगर यहाँ पे कुछ किसी भी स्टूडेंट को कुछ हो जाता है तो रेलवे क्या करेगी? ये लोग जो छात्र सभी एग्ज़ाम स्टेज मेडिकल सारी चीज़ पास हैं, फिर भी इन लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। और उम्मीद होगी कि आप जितने भी छात्र एवं माता पिता का हमारी बात पहुँच रही है, आप लोग भी जल्द से जल्द जो अभी तक नहीं आए ज़रूर आएँ।